पाली में भीमार्मी जोधपुर संभाग सचिव सुनील भाटी सरगरा के नेतृत्व में पाली पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया। भीमार्मी पाली जिला अध्यक्ष राहुल घावरी, बहुजन समाज पार्टी पाली जिला अध्यक्ष सुरेश पवार व सरगरा सुरैत मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन यूथ विंग जिला अध्यक्ष पाली हुक्माराम बुरवर व नथु भाई सिरवी, अशोक भाटी, अर्जुन मेघवाल, दुर्गाराम देवड़ा आदि के संयुक्त ज्ञापन में बताया गया कि गांव लाल की तहसील रोहट जिला पाली अर्जुन मेघवाल के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट होती है और उसका अपहरण होता है। जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जाता है। 26/3/21 को रोहट थाने में FIR दर्ज होती है। वहीं एस्ट्रोसिटी एक्ट की धारा और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और आज लगभग 3 महीने होने आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपराधी पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं और डरा रहे हैं, साथ ही खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन अपनी कार्यशैली में बिल्कुल विफल साबित हुआ है। राजस्थान में आए दिन दलित समाज पर अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं। शासन प्रशासन अपनी कार्यशैली में बिल्कुल विफल रहा है। शासन प्रशासन कानून व्यवस्था को मजबूत करे, पीड़ित परिवार को न्याय दे और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करे, नहीं तो भीमार्मी ने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ठीक उसी तरह भीम आर्मी पाली जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी। रोहट से दिनेश चावड़ा की रिपोर्ट। सर, आप अभी एसपी साहब के समक्ष पेश हुए हैं, ज्ञापन सौंपा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज 25/4 लाल की रोहट तहसील जिला पाली की घटना है। अर्जुन मेघवाल के साथ में मारपीट होती है और उसके अपहरण किया जाता है और जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जाता है। 4 दिन पहले हम IG साहब जोधपुर में भी हम पेश हुए थे और ज्ञापन दिया था हमने, और जोधपुर संभागीय आयुक्त को भी हमने जोधपुर में दिया था, और आज हम पाली SP महोदय के समक्ष पेश हुए और ज्ञापन दिया है कि इस पीड़ित परिवार को तुरंत प्रभाव से न्याय मिले और दोषियों की गिरफ्तारी हो। और हमें SP साहब ने आश्वासन दिया कि इस मामले को तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो अन्यथा सभी सामाजिक संगठनों और भीम आर्मी 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी। और हमारे साथ में पाली जिला अध्यक्ष राहुल भाई भी है और सामाजिक संगठन से भी लोग पहुँचे हैं हमारे साथ, और बसपा जिला अध्यक्ष भी है।